हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये शैतान देखिए क्या कर रहा है। ये शैतान और मैं मिलके आज अपनी ऑल्टो K10 का लुक बिल्कुल चेंज करने वाले हैं। बहुत लाइटें जला रहा है इसने, अपने कैंप पर जाने के लिए टॉर्च खरीदी है तो इससे खेलने में लगा हुआ है। आज हम अपनी ऑल्टो K10 में एक नई एक्सेसरीज ऐड करेंगे, जिससे उसका लुक बिल्कुल चेंज होने वाला है। यशवर्धन, कैसा रहेगा बेटे? मस्त रहेगा। हमने वो एक्सेसरीज अमेजोन से परचेज की है, हम आपको दिखाते हैं क्या है वो। और आज देखिए, इसने अपनी ये एक्सेसरीज भी निकाली हुई हैं। खेलने में लगा हुआ था कमरे के अंदर ही, और चोट लग गई है इसको, बॉल लग गई है पैर पे। टॉर्च क्या मजा ले रहा है या बॉल से चोट लगी है उसको ढूंढ रहा है। ये देखिए, ये प्रेस जैसी जो चीज़ है, ये है एक एंटीना जो हम अपनी गाड़ी का एंटीना चेंज करने वाले हैं, और ये शार्क फिन एंटीना लगाएंगे उसकी जगह। देखिए कितना स्मूथ है, यशवर्धन को तो मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है बेटे? बढ़िया है, दिखाओ कैसा है। दोस्तों, ये शार्क फिन एंटीना गाड़ियों में आपने पीछे की साइड लगा हुआ देखा होगा, लेकिन हम इसे अपनी गाड़ी में आगे लगाएंगे, क्योंकि हमारा एंटीना आगे ही लगा हुआ है। और फिनिशिंग तो बहुत ही परफेक्ट लग रही है, प्लास्टिक में है, अंदर इसमें एक एंटीना है और ये वायर है। ये वायर हम अपने एंटीना के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि नेटवर्क कैसा आता है। तो चलते हैं गाड़ी पर। राधा तैयार हो? अभी तैयार नहीं हो, राधा तैयार हो रही हैं। बेबी चलो, आप भी तैयार हो, फटाफट चलेंगे बाहर। टॉर्च से खेलना छोड़ो, इसके सेल खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, जब से इसकी टॉर्च आई है इससे खेलने में लगा हुआ। देखिए अभी मेरे फेस पर मार रहा है, जब इसके सेल खत्म हो जाएंगे तभी इसे शांति मिलेगी। पीछे चमका रहा है टॉर्च। चलो चलते हैं। चलो बेटे, गाड़ी की चाबी उठाओ और ये भी उठाओ साथ में, एंटीना ये यहाँ से डालो उठा के, वरना बाहर जा कर ढूँढोगे इसे। चलो चलो जल्दी करो, शूज़ पहन लेना। और दो तीन पानी की बोतलें ले लो, एक बोतल तो गाड़ी की सफाई में ही लग जाएगी। तीन बोतलें, तीनों भरी हुई हैं, रखो बैग में। ये पहले पिएगा उसके बाद रखेगा। और गाड़ी की चाबी मैं ही उठा लेता हूँ, ये तो पता नहीं कहाँ रखी है ये रही। चलो आओ। दोस्तों, हमेशा की तरह हमारी गाड़ी का वही बुरा हाल है, ये पूरी सनी हुई है, पूरी गंदी हो रखी है। इसीलिए मैं पहले आ गया हूँ ताकि ये टाइम बच जाए। देखिए क्या सफाई करनी पड़ेगी इसकी, तो मैं इसकी सफाई कर लेता हूँ, तब तक यशवर्धन और राधा आएंगे। देखिए बुरा हाल है, चलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हम काफ़ी दिन पहले से बनाना चाहते थे, एंटीना हमारे पास आ गया था, लेकिन गर्मी इतनी है कि बाहर आने की हिम्मत ही नहीं होती थी। आज भी शाम के वक्त बाहर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, एंटीना निकाल लेते हैं। इसके साथ हमें देखिए, ये एंटीना के अंदर ऊपर तो ये कवर है, अंदर ये छोटा सा एंटीना है इसमें, और ये वायर है। इसके लिए हमें स्क्रू भी मिले हैं, ये स्क्रू इसमें टाइट कर देंगे ऊपर, और ये टेप मिली है, इस टेप से इसे फिक्स कर देंगे। तो पहले चेक करते हैं बिना एंटीना के FM कैसे काम कर रहा है, और एंटीना लगाने के बाद ये कैसे काम करेगा। अभी इसे फिक्स नहीं करते, सिर्फ टेम्परेली चेक करते हैं। तो आइए गाड़ी के अंदर, अभी मैं FM ऑन करता हूँ। एंटीना लगा नहीं हुआ ऊपर, आपने देखा होगा एंटीना नहीं है इसका। और FM देखते हैं। तो एंटीना लगाते हैं और फिर देखते हैं, क्वालिटी और बेटर हो जाएगी। तो चलिए फिट करते हैं इसे। तो अभी मैं सिर्फ इसको टेम्परेरली इस तरह से
कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ। और ये देखिए कुछ ऐसे लगेगा, ये लुक आने वाली है। अभी हम इसे फिक्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ मैं। अगर अच्छा लगेगा तो इसे रखेंगे, अदरवाइज हटा देंगे। ये ऐसा लगने वाला है। चलिए अब इसका एफएम चेक करते हैं। देखिए कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है अब, एकदम क्लियर आवाज, क्रिस्टल क्लियर आवाज़ है। पहले जो आवाज़ साफ नहीं थी, अब बिल्कुल साफ है। तो इसको फिक्स करते हैं और देखते हैं कैसा लगेगा। फिक्स करने के लिए पहले टेप लगानी पड़ेगी, डबल साइडेड टेप इसके साथ ही मिली है, इसके साथ कटी हुई है, देखिए बिल्कुल इसी डिज़ाइन में। तो इसको एक साइड से लगा लेते हैं यहाँ। ये फिक्स कर ली है, अब क्या किया जाए, पेच कर देते हैं और फिर टेप लगाएंगे। दोस्तों टाइट करने के लिए हमारा स्क्रू ड्राइवर तो है नहीं, टूल किट में ये मिला है पाना, तो इससे टाइट कर देते हैं ताकि बाद में वो हिले ना। बढ़िया से टाइट कर देते हैं इसे। अच्छे से टाइट हो गया, अब बस फिक्स करना बाकी है। कैसे बैठेगा आगे जाके देखो बेटे। सीधा है? देख किधर को करूं। तेरे हाथ में ही है सब। पक्का है ना, कर दे फिक्स। दादा आप भी देखना सामने से। पक्का है ना, देख ले। हाँ तो दोस्तों देखिए हमने अपना एंटीना लगा लिया है, बड़ा शानदार लग रहा है, वाकई में मज़ा आ गया लगाकर। नेटवर्क चेक किया, नेटवर्क कहीं कहीं पे थोड़ा सा कम आ रहा है क्योंकि एंटीना इसके अंदर बहुत छोटा है, लेकिन लुक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो इसी को लगा रहने देते हैं। अब यहाँ तक आए हैं तो चल के पार्क में थोड़ा खेलेंगे। अभी खेलो बेटे, यशवर्धन बैडमिंटन लेकर आया आज। आओ आजा, और ये यहाँ पे मंदिर है, शिव मंदिर। पहले कौन खेलेगा? मैं, आप और मैं। चलो पहले पहले मैं और यशवर्धन खेल रहे हैं। राधा पहले हम दोनों खेल रहे हैं, देखो कैसे हराऊंगा इसे मैं आज। दोस्तों इसने भगा भगा के थका दिया है, भूख भी लगने लगी है, अब घर चलते हैं। ये पैकिंग कर रहा है, लो ये भी रखो, चलते हैं अब घर। दोस्तों
दोस्तों मैं और यशवर्धन तो घर आ गए हैं। राधा रास्ते में कुछ सामान लेने के लिए रुक गई हैं और आते ही इसने हाथ धोने शुरू किया। ये इसकी अच्छी आदत है, घर में घुसते ही हाथ धोता है। मैं भी अभी हाथ धोऊंगा और राधा का इंतजार करते हैं। तब तक राधा आ रही है, हम दोनों चाय बना ले मिलके। हाँ, मैं और बेबी मिलकर चाय बना लेते हैं। तब तक चलो जल्दी हाथ धो, फिर दोनों मिलकर बनाएंगे। इतना रगड़ रगड़ के हाथ धोएगा? थोड़ा मैंने मारकर चला। अच्छा चला ले चला ले। तो गैस तो साफ सुथरी है, बर्तन कहाँ है? नीचे इसमें सब पता है। चलो करते हैं, मेरी मम्मी भी आ गई। राधा हमने आपके लिए चाय बनानी शुरू कर दी। वो आपसे तो चलो, अब मम्मी आ गई, अब तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो अब मम्मी बना लेंगे। दोस्तों राधा के आने से हमारा काम तो हल्का हो गया है और ये बैठ गया अपने गेम खेलने। आज इसका देखो टैब भी नया बन गया है, इसके टैब पे नया कवर चढ़ गया है। दिखाओ बेटे ये कवर नया, और इस पर टेम्पर गार्ड भी नया लगाया। देखिए पहले वाला पूरा टूट गया था, तो आज इसका पूरा काम बढ़िया हो गया। ये मस्त है। चलो अब चाय पियोगे? चाय के साथ ब्रेड खुश हो जाता है। इसकी मम्मी कह रही है दूध पिएगा, तो इसको हम दूध देंगे। दूध पीना इसे पसंद नहीं है, उदास हो गया। चलो चाय दे देना इसे, अभी ब्रेड के साथ चाय में ही मजा आएगा। पापा थैली से दूध निकाल रहे हैं। कितनी थैलियां डाली हैं इसमें? 3। 1.5 लीटर दूध, और यहाँ पे ब्रेड सिक रही है। घी मेरे को भी लगा दिया। नहीं गरम तवा बहुत सारा, बड़ा 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 नहीं। गैस, गैस के पास बहुत सारा घी लगाओ। हाँ लगा दूंगी, और सारा गैस से पीछे हो जाओ, मिक्स हो जाएगी बहुत सारा घी। मिक्स हो जाएगी और क्या? क्या मिक्स हो जाएगी? ब्रेड और बहुत सारा घी बस। और ये पानी है क्या? लगा की तरह लगाओ, गला खराब करता है। तो दोस्तों चाय और ब्रेड तैयार है। देखिए रात के खाने के टाइम हम ये खा रहे हैं, खाने का भी टाइम हुआ नहीं है, नाश्ते का ही टाइम है। अभी 7 बजे हैं और 8 बजे तो मुझे वर्कआउट भी करना है, अभी तो थोड़ा नाश्ता हो जाएगा। और दोस्तों ये आज देखिए यशवर्धन भी काम कर रहा है, आज ये लेकर आया है ब्रेड। थक गया होगा इतने में तो। और ये आ गई चाय। तो अब हम करेंगे चाय नाश्ता और आपसे लेंगे विदा। अब मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।